बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तब क्या होगा। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तब क्या होगा, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आओ चलते हैं इस VVI टॉपिक के तरफ। समरूप वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, समरूप वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं, समरूप वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हमें एक फिगर बनाना होगा, उसी फिगर के मदद से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलो फिगर बनाते हैं पहले। बच्चों, यह है समरूप वैद्युत क्षेत्र। क्या है यह? यह है समरूप वैद्युत क्षेत्र, अर्थात सदिश E का मान नियत होगा। तो यह है समरूप वैद्युत क्षेत्र जिसका डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे। किसे रखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव को। तो द्विध्रुव में कितने बिंदु आवेश होते हैं? दो धन आवेश होते हैं। ये दो आवेश होते हैं, एक धन बिंदु आवेश, दूसरा ऋण बिंदु आवेश। दोनों का परिमाण समान होता है। तो चलो, यह है धन बिंदु आवेश, यह है ऋण बिंदु आवेश माइनस क्यू। अब यह है द्विध्रुव की लंबाई 2L। तो बच्चों, यह एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, एक धन बिंदु आवेश है, दूसरा ऋण बिंदु आवेश है, और तुम लोग देख रहे हो कि दोनों का परिमाण समान है और दोनों के मध्य लंबाई कितनी है? 2L। इसे कहते हो वैद्युत द्विध्रुव। इस वैद्युत द्विध्रुव को कहां पर रखा गया है? तो इसे रखा गया है समरूप वैद्युत क्षेत्र में। कहां रखा गया है? समरूप वैद्युत क्षेत्र में। अभी यह वैद्युत द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है? थीटा। अब इसमें कुछ संरचना करना है हम लोगों को। यहां से एक लंब डाल रहे हैं और यहां से इसे मिला रहे हैं। बच्चों, यह 90 डिग्री हो जाएगा। अगर यह थीटा है तो यह कोण भी कितना होगा?
यह भी ऑब्वियस सी बात है थीटा ही होगा। अब इसे हम लोग मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं सी। समझ गया? तो यह है समरूप वैद्युत क्षेत्र जिसका मान सदिश ई है, ठीक। इसका दिशा लेफ्ट टू राइट है। एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है, 2L, और यह द्विध्रुव अभी इस वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। अब संरचना क्या हुआ, तो इसमें एक लंब डाल के यहां से मिला दिए, तब एक समरूप त्रिभुज एबीसी का निर्माण हो गया। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना ई तुम्हारा हो गया सदिशी समरूप वैद्युत क्षेत्र, और सदिश पी बराबर, याद है इसे क्या कहते हो, इसे कहते हो वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों सदिश ई है समरूप वैद्युत क्षेत्र, सदिश बी बराबर क्यू इंटू सदिश टू एल, इसे कहते हो वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। अब तुम लोगों को एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज एबीसी में। तुम लोग बतलाओ तो त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने की भुजा एसी लंब है और एबी क्या है, कर्ण है, तो होगा एसी बटा एबी। इस प्रकार एसी बराबर हो गया एबी साइन थीटा, और एबी का मान रख देंगे हम लोग 2L, तो इस प्रकार एसी बराबर हो गया 2L साइन थीटा। तो यहां तक तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी शायद। अब आगे बढ़ते हैं, इस फिगर की तरफ फिर से एक बार चलो, ठीक। अब यह जो दोनों बिंदु आवेश है, यह किसमें रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र में। कोई भी आवेश जब वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तब वह आवेश एक वैद्युत बल अनुभव करता है। इसका मतलब है कि यह आवेश और यह आवेश भी वैद्युत बल अनुभव करेगा। यह धन आवेश है, इसी कारण इस पर जो बल लगेगा उसका दिशा वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा। लेकिन यह ऋण आवेश होने के कारण यह जो बल अनुभव करेगा उसका दिशा इस वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा, विपरीत होगा। मान लो यह आवेश कितना बल अनुभव कर रहा है, तो मान लेते हैं कि यह आवेश सदिश F1 बल अनुभव कर रहा है। अब तुम ही लोग बतलो इसका मान कितना होगा, QE सदिश। धन आवेश है तो प्लस दे दिए, वैसे तुम लोग नहीं भी लिख सकते हो क्योंकि धन लिखना जरूरी नहीं होता है। अब चूंकि यह धन आवेश है इसी कारण इस पर जो बल लग रहा है उसका दिशा वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो गया, लेकिन इस पर जो बल लगेगा उसका दिशा इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा। मान लो इस पर कितना बल लग रहा है, तो मान लेते इस पर बल लग रहा है सदिश F2, जिसका मान हो जाएगा माइनस क्यू सदिश ई। तो बच्चों समझ गया, इस पर F1 बल लग रहा है इस आवेश पर, और इस पर F2 लग रहा है। यह जो बल है इसका दिशा वैद्युत क्षेत्र के समांतर है क्योंकि यह धन आवेश है, लेकिन यह जो बल है इसका दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है क्योंकि यह ऋण आवेश है। ऋण आवेश जो वैद्युत बल अनुभव करता है उसका दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है, और धन आवेश जो वैद्युत बल अनुभव करता है उसका दिशा वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होता है, ठीक।
तो आज हम लोग पढ़ रहे समरूप वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग यहाँ फिगर का चर्चा तो ऑलरेडी कर चुके हैं, फिगर में क्या है नहीं है सब हम लोग देख ही चुके हैं। इसमें एसी का मान 12 sin θ आया है, F1 F2 का मान भी पता चल गया है। अब इसकी तीन अब केसेस हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सा केस आता है। पहला कि यह जो वैद्युत द्विध्रुव है यह कितना बल अनुभव करेगा। दूसरा, अगर यह बल अनुभव करेगा तो क्या यह अपना स्थान परिवर्तन भी करेगा। तीसरा कि अगर यह बल अनुभव करेगा तो क्या यह घूर्णन गति भी करेगा। और चौथा, अगर यह घूर्णन गति करेगा तो फिर इसमें कोई ऊर्जा भी होगी क्या, इसमें कोई स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो सभी को हम लोग पॉइंट वाइज स्टडी कर लेते हैं। ठीक, तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। स्पेशल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स बतला रहे हैं इसे तुम लोग ठीक से याद रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है इससे एग्जाम में, या हो सकता है सब्जेक्टिव टाइप भी पूछा जा सकता है। यूजुअली इससे ऑब्जेक्टिव टाइप ही आता है। पहला पॉइंट है द्विध्रुव पर नेट वैद्युत बल अर्थात सदिश एफ नेट। अब देखो नेट वैद्युत बल कितना होगा। सदिश F1 प्लस सदिश F2 नेट बल, मतलब दोनों बल को जोड़ देना है। सदिश जोड़ जो होगा दोनों बलों का वही नेट बल होगा। F1 का मान -QE, इस प्रकार यह हो गया 0 सदिश। इसे अच्छे से याद रखेंगे कि अगर समरूप वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाएगा तो वह कितना बल अनुभव करेगा, 0। कह सकते हो इस प्रकार समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव नेट बल अनुभव नहीं करता है, अतः द्विध्रुव स्थानांतरीय गति भी प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहां देख रहे हैं कि समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव नेट बल अनुभव नहीं करता है। और बतलाओ यह जो पेन है यह स्थानांतरीय गति कब करेगा, स्थान कब परिवर्तन करेगा, जब इस पर बल लगाएंगे। अब तुम लोग देखो कि द्विध्रुव पर नेट बल लग ही नहीं रहा है तो क्या वह अपना स्थान बदल सकता है, नहीं। इसका मतलब है कि द्विध्रुव स्थानांतरीय गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, बच्चों बल आघूर्ण को टॉ से सूचित करते हैं। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण।
अब इस फिगर को एक बार देखो तुम लोग, इस फिगर में देखो दो बल तुम लोगों को दिखाई देता है, एक एफ वन दूसरा एफ टू, दोनों का परिमाण समान है, दोनों का दिशा विपरीत है और दोनों अलग क्रिया रेखा में कार्य कर रहा है। दोनों का परिमाण क्या है? समान। इस एफ वन का परिमाण और एफ टू का परिमाण समान होगा। एफ वन एफ टू दोनों का दिशा विपरीत है और दोनों का क्रिया रेखा भी अलग है, ठीक। तो दोनों का क्रिया रेखा अर्थात लाइन ऑफ एक्शन अलग होने के कारण यह दोनों बल मिल करके बल आघूर्ण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? बल का आघूर्ण, बल का आघूर्ण का निर्माण करेगा। तो देखते हैं वह बल का आघूर्ण कितना होगा। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, बच्चों बल आघूर्ण बोलो या बल का आघूर्ण बोलो, बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा बल का परिमाण गुना बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण बराबर बल का परिमाण गुना बलों के मध्य लंबवत दूरी, बल आघूर्ण का सूत्र होता है। तो इस प्रकार बल आघूर्ण हो गया कितना? टॉ। बल तो तुम्हारे पास दो ठो है, एफ वन और एफ टू, लेकिन दोनों का परिमाण समान ही होगा, तो कोई भी बल ले लो। सदिश एफ वन का परिमाण, और बतलो तो दोनों के मध्य लंबवत दूरी कितनी है। तो तुम लोग कहोगे सर दूरी तो ए बी है ना दोनों बलों के मध्य। नहीं, हम लंबवत दूरी का बात कर रहे हैं। तो यहां लंबवत दूरी होगा एसी। क्या होगा? एसी या ए बी नहीं है, ए बी तो केवल द्विध्रुव की लंबाई है, दोनों बलों के मध्य जो लंबवत दूरी है वह है एसी। एसी का मान कितना है? 2L sin थीटा। तो यहां लिखोगे एसी, अब यह हो गया एफ वन, एसी का मान कितना रखेंगे? एफ वन मोडलस परिमाण यानी मोडलस इंटू 2L sin थीटा। सदिश एफ वन का मान बोलो, मॉडुलस ऑफ प्लस क्यू सदिश ई इंटू हो गया 2L sin थीटा, तो यह हो गया क्यू ई इंटू 2L sin थीटा। इसे लिखोगे क्यू इंटू 2L इंटू ई sin थीटा। अब बच्चों क्यू इंटू 2L को क्या कहते हो? ऑलरेडी तुम लोगों को बतला चुके हैं, नहीं बतलाए हैं? देखो Q इंटू 2L को कहते हो P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो Q इंटू 2L को कैपिटल P लिखेंगे, E साइन थीटा। यह महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे अच्छे से याद रखेंगे हम लोग। अगर सदिश के रूप में लिखना हो सदिश के रूप में, बच्चों सदिश के रूप में हो जाएगा सदिश टॉप बराबर सदिश पी क्रॉस सदिश ई। क्रॉस प्रोडक्ट होगा क्योंकि यहां साइन है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब चलो इसमें एक दो ठो नोट पढ़ लेते हैं हम लोग। नोट, बल आघूर्ण अधिकतम होगा यदि थीटा बराबर 90 डिग्री। तो बल आघूर्ण तब अधिकतम होगा जब यह द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र का लंबवत हो,
क्या हो? यह विद्युत क्षेत्र है। अगर यह विद्युत क्षेत्र है, अगर विद्युत द्विध्रुव लंबवत हो जाए, मतलब ऐसा नहीं हो करके ऐसा हो जाए द्विध्रुव, तब बल आघूर्ण का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। तो बल आघूर्ण अधिकतम होगा यदि थीटा बराबर 90 डिग्री। अब तुम ही लोग बतलाओ, चूंकि तो बराबर बल आघूर्ण बराबर होता क्या है? पीई साइन थीटा। इसलिए टॉ मैक्स बराबर हो जाएगा, यानी बल आघूर्ण का अधिकतम मान पीई साइन थीटा साइन 90। और बतलो साइन 90 का मान कितना? 1 नहीं होता है, तो यह हो गया पीई। अर्थात अधिकतम बल आघूर्ण का मान होता है पीई। अब बी में देखो, बल आघूर्ण न्यूनतम अर्थात शून्य होगा यदि थीटा बराबर 0 डिग्री। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यहां थीटा 90 डिग्री का मतलब हुआ कि सदिश पी लंबवत होना चाहिए। सदिशी का मतलब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र का लंबवत होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वह और विद्युत द्विध्रुव एक दूसरे के, सॉरी बच्चों कुछ गलत लिखा गया, यहां पर विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र समांतर होना चाहिए। अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र समांतर होगा तो थीटा ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तब बतलाओ तो क्या हो जाएगा? टॉ मिनिमम इक्वल्स पीई साइन कितना? 0 डिग्री। साइन 0 0 इस प्रकार हो गया 0। समझ गया? तो जब पी और ई अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र लंबवत होगा, अर्थात थीटा 90 डिग्री होगी, तो बल आघूर्ण अधिकतम हो जाएगा। लेकिन जब दोनों समांतर हो और थीटा 0 डिग्री हो जाए, तब ऐसी स्थिति में बल आघूर्ण न्यूनतम हो जाता है और शून्य हो जाता है। एक पॉइंट और हम लोग याद रखेंगे, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव घूर्णन गति प्रदर्शित करता है। अब तुम लोग खुद देख रहे हो कि द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कार्य कर रहा है, तो बल आघूर्ण के कारण तो वह घूर्णन गति करेगा, घूमेगा, अपना स्थान नहीं बदलेगा, जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रहेगा। मतलब सोचोगे कि हम विद्युत द्विध्रुव को रख दिए समरूप विद्युत क्षेत्र में तो वह अपना स्थान बदल लेगा, अगर यहां पर है तो यहीं पर रहेगा, स्थान नहीं बदलेगा, लेकिन अपने स्थान पर घूमेगा क्योंकि उस पर लग रहा है बल आघूर्ण। तो स्थानांतरीय गति तो प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन वह घूर्णन गति प्रदर्शित करेगा। आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। बल आघूर्ण पढ़ लिया, अब हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज
ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को तो यू से सूचित करते हो। यह भी महत्वपूर्ण है, इसे भी हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा होगी क्या, एक बात बतलाओ, वैद्युत द्विध्रुव पर क्या लग रहा है? तो वैद्युत द्विध्रुव पर लग रहा है बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण के कारण द्विध्रुव घूमेगा, अगर घूमेगा तो उसमें कार्य होगा, वही कार्य द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। समझ गया बात को, कि द्विध्रुव जो बाहरी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है वह बल आघूर्ण के कारण घूमेगा, और घूमेगा तो कार्य संपादित होगा, वही कार्य द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो तुम लोग लिख सकते हो, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य उसके वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य उसके वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। सबसे पहले यह बतलाओ, द्विध्रुव को घुमाने में कार्य बराबर क्या होगा? घुमाता कौन है, बल या बलाघूर्ण? तो कहोगे सर घुमाता है बल आघूर्ण। अब घुमाओगे तो कोण बनेगा ना, तो हो जाएगा गुना कोणीय विस्थापन। समझ गया कि द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, तो घुमाता कौन है, बल आघूर्ण। अगर घूमेगा तो क्या बनेगा, कोण, तो लिखेंगे कोणीय विस्थापन। तो द्विध्रुव को घुमाने में कार्य बराबर बल आघूर्ण गुना वो कोणीय विस्थापन। सबसे पहले द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण डी थीटा से घुमाने में कार्य, द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण, यहां देखो सूक्ष्म कोण लिए हैं, इसका मतलब है कार्य भी सूक्ष्म होगा। तो सूक्ष्म कार्य डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण कितना, टॉ, और कोणीय विस्थापन कितना, डी थीटा। तो बल कार्य बराबर हो गया बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। तो डी डब्ल्यू बराबर टॉ का मान कितना पढ़े हो, पीई साइन थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा। अतः द्विध्रुव को कोणीय स्थिति थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में कुल कार्य। तो बच्चों यह तो सूक्ष्म कार्य है, कितना कोण के लिए, डी थीटा के लिए। अब द्विध्रुव को कोणीय स्थिति थीटा वन से थीटा टू तक घुमाना है, इसका मतलब है कि मान लो पहले द्विध्रुव थीटा वन कोण बनाता है, अब बाद में जब घूम जाता है तो थीटा टू कोण बनाता है। तो कुल कार्य W बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू का समाकलन, और कहां से कहां घुमाना है, थीटा वन से थीटा टू, तो निम्न सीमा थीटा वन उच्च सीमा थीटा टू। डी डब्ल्यू का मान रखो पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा निम्न सीमा थीटा वन उच्च सीमा थीटा टू। पीई कांस्टेंट है, बाहर करो इंटीग्रल से,
थीटा वन थीटा टू साइन थीटा डी थीटा। बच्चों साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो इस प्रकार डब्ल्यू इक्वल्स हो जाएगा पीई माइनस कॉस थीटा निम्न सीमा थीटा वन उच्च सीमा थीटा टू, माइनस बाहर कर लेते हैं, पीई कॉस थीटा निम्न सीमा थीटा वन उच्च सीमा थीटा टू माइनस पी। अब तुम लोग जानते हो थीटा के बदले उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन हो जाएगा। इस माइनस को अंदर ले जाओ ब्रैकेट के अंदर, तो जाएगा पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। यही कार्य द्विध्रुव के विद्युत स्थितिज, यही कार्य द्विध्रुव के विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब बच्चों यह जो कार्य ज्ञात हुआ है, यही कार्य द्विध्रुव के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसलिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को किससे सूचित करते हो, यू से। तो यू बराबर हो गया पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। यह हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, इसे अच्छे से याद रखेंगे हम लोग। यह है द्विध्रुव का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब इसमें एक अवस्था आता है, यदि थीटा वन का मान कितना हो, 90 डिग्री, और थीटा टू को क्या मान ले, थीटा। मतलब अगर प्रारंभ में लंबवत हो, द्विध्रुव क्या हो, लंबवत हो, और बाद में घूम करके कितना कोण बना ले, थीटा। सुना बात को, कि द्विध्रुव अगर प्रारंभ में वैद्युत क्षेत्र का लंबवत हो, लंबवत होने का मतलब है कि थीटा वन 90 डिग्री होगा, और जब बाद में घूम जाए तो कितना कोण बनाए, थीटा। ठीक, यहां लिख भी देते हैं, अर्थात द्विध्रुव लंबवत से घूमकर थीटा कोण का निर्माण करे। अगर ऐसा हो कि पहले द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र का क्या हो, लंबवत, और बाद में घूम करके कितना कोण बनाए, थीटा, तब बतलो तो यू बराबर क्या हो जाएगा। कहोगे सर हो जाएगा पीई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। पीई कॉस 90 कितना, 0 माइनस कॉस थीटा। तो यू बराबर हो गया माइनस पीई कॉस थीटा। से अच्छे से याद रखेंगे बच्चों कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का एक सूत्र हो गया माइनस पीई कॉस थीटा। कब, जब द्विध्रुव को लंबवत से थीटा कोण के लिए घुमाया जाए तब। इसी को सदिश के रूप में लिखोगे तो यह हो जाएगा यू बराबर माइनस पी डॉट सदिश ई। यहां डॉट इसलिए होगा क्योंकि यहां पर कॉस है, कॉस होने के कारण डॉट प्रोडक्ट होगा। अब चलते हैं नोट के तरफ। बच्चों नोट ए,
स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगा जब थीटा बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब समझा तुम लोग? इसका मतलब यह हुआ कि यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र के विपरीत हो, क्या हो? विपरीत हो, ठीक, तब तो थीटा 180 डिग्री होगा। अब यू मैक्सिमम बराबर हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा है तो कॉस 180 डिग्री लिखोगे, माइनस पी ई या कॉस 180 माइनस 1, यह हो गया प्लस पी। स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया यहां पर? अधिकतम। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होने का अर्थ है इस अवस्था में द्विध्रुव अस्थायी साम्य अवस्था में होगा। तो बच्चों हम लोग पहले से जानते, 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि अगर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी तब द्विध्रुव अस्थायी साम्य अवस्था में होगा। अब नोट बी, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगा यदि थीटा बराबर कितना डिग्री हो? 0 डिग्री। इसका मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समांतर हो। ऐसी स्थिति में यू मिनिमम बराबर होगा माइनस पी ई कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। कॉस 0 बोलो तो कितना होता है? कॉस 0 1 होता है, तो यह हो गया माइनस पी ई यू मिनिमम। तो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम तब होगा जब थीटा 0 डिग्री हो, अर्थात सदिश पी और सदिश ई एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक। अब इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थायी साम्य अवस्था में होगा। तो जब स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है तब तुम लोग याद रखना कि द्विध्रुव अस्थायी साम्य अवस्था में होगा। किसमें? अस्थायी। अब नेक्स्ट पॉइंट, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो बतलो यू बराबर क्या होगा? माइनस पी ई कॉस 90। इस अवस्था में सदिश पी लंबवत होगा सदिश ई का, अर्थात द्विध्रुव लंबवत होगा वैद्युत क्षेत्र का। कॉस 90 क्या होता है? तो कहोगे सर 0 होता है, तो इस प्रकार हो गया 0। और जब स्थितिज ऊर्जा 0 होता है तब उसे कहते हैं कोई साम्य अवस्था नहीं। स्थितिज ऊर्जा 0 होने के कारण यहाँ कोई साम्यावस्था नहीं होगा। तो बच्चों आज हम लोग अपनी पढ़ाई को यहीं तक रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।